यादव और बुलेटिन की शुरुआत जो है हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आई बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरों के साथ यहां पर किस तरह से बदहाली का आलम है आपको बताते हैं। 45 सालों के बाद में राजधानी दिल्ली पानी पानी है। यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से आधी दिल्ली बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। जी हाँ, दिल्ली में आई बाढ़ से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। राजधानी दिल्ली के कई इलाके अभी भी पानी पानी हो चुके हैं। राजघाट और आईटीओ के कई इलाके अभी भी पूरी तरह से जलमग्न है। दिल्ली में यमुना की बाढ़ से मुसीबत अभी भी बरकरार है। तस्वीरें आप देखेंगे, ये राजघाट की तस्वीर, राजघाट आधा डूब चुका है। पूरा का पूरा इलाका जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में नजर आता है। दिल्ली दरिया बन चुकी है। आईटीओ में जलस्तर बढ़ने से, पानी भरने से अब यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। कई कई घंटों का जाम आपको यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें आपको हम राजधानी दिल्ली के आलम को बयां करती हुई दिखा रहे हैं। बारिश और बाढ़ से किस तरह से यहाँ पर अब लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और आप ये समझिए, राजधानी दिल्ली का ये हाल है। दिल्ली में बाढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। दिल्ली के मेरू गाँव से जो बाढ़ की भयावह तस्वीर सामने आई है उसे देखकर आप भी डर जाएंगे। भयंकर बाढ़ की चपेट में दिल्ली का शांतिवन इलाका आ चुका है। शांतिवन चौराहे पर हाहाकारी बाढ़ ने जमकर कब्जा जमाया। देखिए ये आपको तस्वीर जो नजर आ रही है, दरअसल ये मेड़ू गांव इलाके की है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है। यहाँ पर जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त है। यमुना में आई बाढ़ से राहत मिलती फिलहाल दिल्ली वासियों को नजर नहीं आती। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर यमुना का जनसैलाब किस तरह से यहाँ पर साफ तौर से नजर आता है। पूरी रात ये कहा जाए दिल्ली बाढ़ के पानी में डूबी रही। सबसे बुरा हाल जो था वो शांतिवन चौक पर दिखाई दिया, जहाँ पर यमुना का बाढ़ का पानी इलाके में दाखिल होता दिखा। टाइम्स ऑफ भारत की टीम लगातार आप तक रिपोर्ट दिखा रही है। प्रेरित कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आधी रात का वक्त है, देश की राजधानी जलमग्न है। लोग सड़क पे खड़े हैं, घर से बाहर हैं क्योंकि उनका घर डूब चुका है। ये चुनौतियां हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पुराने दिल्ली इलाके से, शांतिवन चौक से। पहले आप तस्वीर देखिए किस तरीके से, देखिए कि सड़क जो है वो यमुना के पानी से जलमग्न है। लोग भीगते हुए अपने घरों को छोड़कर बाहर आ रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू करके लोगों को निकाल रही है। और ये वो चौराहा है जिस चौराहे से राजघाट की तरफ एक सड़क जाती, दूसरी सड़क दरियागंज जामा मस्जिद की तरफ जाती है। और ये बीच का चौराहा है जहां पर लोग जो हैं फंसे हुए हैं क्योंकि दिल्ली जलमग्न हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पे जलमग्न होते हुए सड़कों को देखने आए, तो वही कुछ लोग जो है यहाँ से उन्हें निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर जो है ये देश की राजधानी दिल्ली की आधी रात की है, यानी कि जिस तरीके से गुरुवार के सुबह से ही देश की राजधानी की जलमग्न की तस्वीरें हमने टाइम्स ऑफ भारत पे अलग अलग जगहों से दिखाई, उसी तरीके से हम उस आधी रात को भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से दिल्ली की तस्वीर जो है वो बदली हुई है। जब आप और हम गहरी नींद में थे तो शांतिवन के लोग किस तरह से रात के 1:30 बजे जलमग्न में परेशान थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं दिल्ली में कहां कहां पर जल प्रहार हुआ है। देखिए दरअसल ये हम आपको दिल्ली का मैप दिखा रहे हैं। आईटीओ, राजघाट, सुप्रीम कोर्ट, कश्मीरी गेट, वजीराबाद, दिल्ली सचिवालय, रिंग रोड या लाल किला, ये सभी प्रमुख इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई कई फीट तक पानी भर चुका है। जब टाइम्स ऑफ भारत की टीम भी यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि किस तरह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप समझिए, आईटीओ, सुप्रीम कोर्ट, वजीराबाद, राजघाट, कश्मीरी गेट, रिंग रोड, लाल किला, अगर आप इन इलाकों में जा रहे हैं तो आप भी जरा सचेत रहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये आपको बता दें, वहां पर भी इंसाफ मांगने के लिए अब यमुना पहुंच चुकी है। पूरी रिपोर्ट से 30 सेकंड में। यमुना का पानी अब नई दिल्ली तक पहुंच चुका है। यमुना ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर लबालब पानी भरा है। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता प्रेरित ने देर रात सुप्रीम कोर्ट इलाके का जायजा लिया। ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये पानी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ा, उसके साथ साथ जो नाले थे वो पूरी तरीके से ठप हो गए। तो आप
आपने देखा यहाँ पर, वही दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बाढ़ के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एलजी को पीएम ने फोन किया था। दरअसल पीएम मोदी इस दौरान फ्रांस में है, लेकिन वो हर तस्वीर पर हर हालात पर नजर बनाए हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली बाढ़ पर जानकारी यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह से ली और दिल्ली के एलजी से भी ली। हालात से निपटने के लिए प्रयासों पर पीएम से चर्चा भी की। दिल्ली एलजी को पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। अब आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए एक तरफ वो तस्वीर जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे थे, भले ही वो सात समंदर पार हो, लेकिन जो दिल्ली दरिया बन चुकी है उसको लेकर भी हालात पर लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। हर संभव मदद की बात कही जा रही है, वो खुद लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। भले ही दिल्लीवासी इस उम्मीद में अपनी रात गुजार रहे हो यमुना के जलस्तर में कमी आए और उन्हें बाढ़ से निजात मिल सके, लेकिन रात के वक्त ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंच गया। टाइम्स ऑन भारत संवाददाता अनुज मिश्रा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर हम मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ भी पानी जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से यमुना में पानी का स्तर बढ़ा, उसके साथ साथ जो दिल्ली के जो नाले थे जहां से पानी जाता था, वो तमाम नाले जो हैं वो भर गए, जिसकी वजह से भी कई इलाकों में नालों का जो पानी है वो देखने को मिला। और जाहिर तौर पर अगर यहाँ की हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट का गेट है, ये सर्विस लेन है, यहाँ पर ये पानी जो है वो देखा जा सकता है। हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर का हाल आपने देखा, वही दिल्ली में बाढ़ का जो खतरा है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता नजर आता है। बड़ी खबर, यमुना नदी का जलस्तर अभी भी खतरनाक स्तर पर है। रात 10 बजे से 208.46 मीटर पर यमुना का जल स्तर मापा गया है, यानी कि ये निशान जो है माना जाता है खतरे के निशान से ऊपर है। अभी भी 3 मीटर ऊपर की तरफ उफनती यमुना की वजह से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आते हैं। आपको बता दें बाढ़ से निपटने के लिए लगातार यहाँ पर जो एजेंसीज हैं वो डटी हुई है। दिल्ली में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं जिन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। ये दो तस्वीरें स्पष्ट दर्शाती हैं कि राजधानी दिल्ली में आखिर किस तरह से यहाँ पर हालात हैं, कहाँ पर कितनी एनडीआरएफ की टीमें हैं, आइए जरा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सेंट्रल दिल्ली में 3, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में 3 एनडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात हैं, साउथ ईस्ट का इलाका यहाँ पर 2 टीम तैनात है, ईस्ट दिल्ली में 3 एनडीआरएफ की टुकड़ियां मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें यहाँ पर भी शाहदरा में भी एनडीआरएफ की जो टीम है, एक यहाँ पर टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। इसी बीच हमारे टाइम्स ऑन भारत संवाददाता प्रेरित कुमार ने भी पूरी रात जाकर बाढ़ पीड़ितों के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ पीड़ित दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल सरकार से काफी नाराज नजर आए। एक रिपोर्ट देखिए। प्रकृति के आपदा के सामने पूरा मानवता जो है और पूरी मनुष्यता जो है वो विवश है, और उसी विवशता जो है वो देखिए इनके चेहरों पर देखी जा सकती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ रहते थे आप? मैं यहीं रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मामा जी वगैरह सब लोग हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ तो 3 दिन से हमें ना तो यहाँ खाना पीना कुछ है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ खाने की व्यवस्था की है। बाकी कोई भी लोग यहाँ नहीं आ रहे, हम लोग बड़े परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने क्या व्यवस्था की आप लोगों की? दिल्ली सरकार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं, क्योंकि हम इतना दुखी हैं। अभी वीरेंद्र सचदेवा जी अपने हाथ से हमें खाना देकर गए हैं। बहुत मुश्किल से गुजारना पड़ता है, बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है दिल्ली। तो लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में नाराजगी है दिल्ली सरकार को लेकर। आखिर कहां गायब है? दिल्ली में यमुना ने हाहाकारी तेवर अपनाया जिसकी तस्दीक कर रही है दिल्ली के 3 इलाकों की 3 बड़ी तस्वीरें। तस्वीरें आप देखिए, आईटीओ पानी पानी है। राजघाट पर पानी का पूरी तरह से कब्जा नजर आता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी पानी पहुंच चुका है। ये वो इलाके हैं जो कि सबसे व्यस्ततम और सबसे मुख्य इलाके राजधानी दिल्ली के माने जाते हैं। इसी के साथ में यमुना का पानी जो है सुप्रीम कोर्ट परिसर तक जा पहुंचा है। आईटीओ भी इससे दूर नहीं है, राजघाट को पूरी से जलमग्न नजर आता है।
और बड़ी खबर, यमुना में बाढ़ की मुसीबत के बीच में दिल्ली वासियों के लिए एक और मुसीबत की बड़ी खबर यह है कि उफनती यमुना के बीच अब दिल्ली में पेयजल संकट की भी आशंका है। 3 वाटर प्लांट बंद होने से पीने का पानी जो है वो अब जरूर लोगों के लिए मुसीबत का सबब होगा। पानी की किल्लत होगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से 25% सप्लाई प्रभावित है। सेंट्रल साउथ ईस्ट दिल्ली पर सप्लाई का सीधा सीधा असर नजर आएगा। नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, यहां पर भी जल संकट हो सकता है। सोनिया विहार में भी WTP से भी जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय से अगर मदद मांगते तो देने के लिए तैयार? हम तो बिना मांगे भी देने के लिए तैयार हैं। मांगेंगे तो 24 घंटे 365 दिन आपदा के समय में दिल्ली के लोगों के जीवन को सुरक्षित करने और जीवन को सुगम करने के लिए हम हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। तो आपदा के समय में लोग मुश्किल में हैं और मुश्किल हालात को लगातार टाइम्स ऑन भारत की टीम आप तक पहुंचा रही है। पूरी रात विस्थापितों का हाल टाइम्स ऑन भारत की टीम ने जाना। इसके साथ ही हमारे साथी ने दिल्ली ईस्ट के DCP अमृत गुगलोल से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। यमुना किनारे रहने वाले लोग दिल्ली के सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। उसके हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो है DCP ईस्ट अमिता गुगलोत हैं, जिन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को संभाला हुआ है। मैम, दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? यहाँ पे हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है। इनफैक्ट कल भी हमने बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया है, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। 1 महीने का बच्चा भी हमने कल इवैक्यूएट किया है, मदर्स को, लेडीज़ को, और बहुत सारा कैटल भी यहाँ फंसा हुआ था पानी के बीच में, तो उनको भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो हमारी काम अभी भी चल रहा है। अब तक हमने करीब 1400 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है एंड करीब 200 के करीब कैटल को रेस्क्यू किया है। भारत लगातार पल पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे सुबह हो या फिर रात। रात में आखिर किस तरह से दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से लोग विस्थापन को मजबूर हैं। लक्ष्मी नगर इलाके में सैकड़ों परिवार अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। हमारी टीम रात में उन विस्थापितों के पास में मौजूद थी। किस तरह से गुजरती है इन लोगों की रात, देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी सो रही है। उसी वक्त दिल्ली के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परेशान अपने घर से दूर किसी तरीके से रात गुजार रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद अगले 1 से 2 दिनों में वापस इनको इनका घर मिल जाए। क्या आपके घर की स्थिति है अभी? वहाँ पे पूरा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है फुल टोटल। इसमें कोई जाने को उम्मीद नहीं है। अभी जाने को उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। अब तक पानी कम नहीं जाएगा, तब तक कोई उम्मीद नहीं है। 10 दिन लगो, 2 महीने लगो, 2 महीने से कम तो कम पानी खाली नहीं हो सकता यहाँ पर। कम से कम घर पूरा डूब चुका है जी। इस बात का बहुत अंदर से वो दुख भी होगा। क्यों नहीं सर, जब किसी के घर छूटता है तो इंसान को बहुत दुख होता है। तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और आप देखिए हमारी टीम लगातार रात भर से लेकर आप तक हर तस्वीर पहुंचा रही। अभी किस तरह की स्थिति है, यमुना का जल स्तर क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के इस लोहा पुल पर, जिसे लोग यमुना पुल भी कहते हैं, लोहे के पुल पर आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना का स्तर बढ़ा हुआ है। डेंजर लेवल जो माना जाता है वो 205.33 मीटर का, लेकिन अब ये जो यमुना का लेवल है खतरे के निशान को पार करते हुए 208.46 मीटर हो चुका है। पानी की उठती लहरें लगातार उफान भर रही है और ये स्पष्ट हो चुका है कि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी राजधानी दिल्ली के लिए अब खतरे का सबब है और ये डेंजर लेवल को पार कर चुका है। आपने देखा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ रहा है राजधानी दिल्ली वासियों के लिए खतरा भी। अभी किस तरह से हालात है, सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का। हमारे साथ ही रविकांत राय और अनुराग सिंह इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुराग, आपका रुख करते हुए, आप यमुना बाजार में है जहाँ पर वो सीधा इलाका यमुना नदी से जुड़ा हुआ है, किस तरह के हालात है, तस्वीरें दिखाइए।
बिल्कुल नैना, अगर मैं सिर्फ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो ये तस्वीरें सारी कहानी आपको बयां कर देंगी। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से कि जरा एक वो नीला बोर्ड दिखा दीजिए ताकि ये जगह एस्टेब्लिश हो। ये आईटीओ को जाने वाली सड़क है और ये किस तरह से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां से दिल्ली को जोड़ने वाले तकरीबन हर रास्ते जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। कहते हैं दिल्ली कभी सोती नहीं है, दिल्ली कभी रुकती नहीं है, लेकिन पानी के चलते ये कैसे ब्लॉक हो चुकी है ये इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मैं जहां पर मौजूद हूं तकरीबन तीन से चार फीट पानी तो है वो यहां पर भरा हुआ है, और अगर मैं आगे जाता जाऊंगा तो फिर आपको तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि कितना पानी जो है वो यहां पर भर चुका है। मैं कहूंगा एक बार कैमरा पर्सन से कि वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये बैरिकेडिंग है जो कि पुलिस ने आगे जाने के लिए रोकने के लिए लगाई, ये बैरिकेडिंग खुद डूब चुकी है। और उसके आगे अगर थोड़ा सा कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे, जो आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है वो बैरिकेडिंग बताएगी आपको कि कितना पानी वहां पर भरा हुआ है। तकरीबन 5 फीट पानी जो है वो वहां पर भरा हुआ है। इस पार से उस पार जाना तकरीबन असंभव है, और यही वजह है कि यहां पर इस सेंसिटिव इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्सेस भी लगाई गई हैं। देखिए मैं दूसरा पहलू आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस तरह से जब पानी भर जाता है तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है यहां पर आम लोगों को। ये दुकानें हैं जो 24 घंटे चला करती थी। यहां पर जब मेरी दुकानदारों से कुछ बात हुई जो कि उस तरफ खड़े हैं, उनसे जब बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि यहां पर दुकानें कभी बंद नहीं होती, लेकिन पानी भर जाने की वजह से अंदर रखा सारा सामान जो है वो खराब हो चुका है। मैं अगर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूं, हमारे साथ यहाँ पर लगातार लोग जो है वो साथ आ रहे थे। आप बताइए सर, यहाँ पे आप लोकल हैं सर, आप बताएंगे आप लोकल हैं यहाँ पे? लोकल। अच्छा, कितनी परेशानियां हो रही है पानी भरने की वजह से? बहुत परेशान। ठीक है, तो मैं और जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तस्वीर अगर आप थोड़ा सा वक्त देना है ना तो एक तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है देखना हमारे दर्शकों के लिए भी। देखिए वो नाव जो है, इस नाव के माध्यम से इस पार से उस पार जाकर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली जरूरत है लोगों तक राहत पहुंचाना, और राहत पहुंचाने के लिए देखिए ये तमाम कदम जो है वो उठाए गए हैं। 6 NDRF की टीमें जो है वो पूरी दिल्ली को कवर कर रही है, और खासतौर पर इस तरह के जो सेंसिटिव इलाके हैं इन इलाकों पर खासतौर पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। इस इलाके में अगर कोई छोटा बच्चा जाए या कम हाइट का बच्चा जाए, अगर इस सड़क को पार करने की कोशिश करे, स्थिति खराब हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और इसीलिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। दिल्ली की ये जो मेन सड़क है, ये जो आउटर रिंग रोड वाली जो सड़क है, इस सड़क को तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक ब्लॉक कर दिया। मैं जितना आगे जाता जा रहा हूं, आप देखिए कि मैं पूरा डूब चुका हूं, और थोड़ा सा आगे अगर मैं जाऊंगा तो शायद मेरे कमर से ऊपर तक पानी पहुंच जाएगा। और अगर आप ये देखें तो यहां पर ये नाव चलाने की कवायद जो है वो की जा रही है। अगर मैं बात कर पाऊं थोड़ा वहां जाने की अगर कोशिश करूं तो यहां पर किस पर्पज से ये चलाई जा रही है वो भी साफ हो पाएगा। कितने लोग अभी फंसे हैं जिनको नाव की जरूरत है ये भी साफ हो पाएगा। थोड़ा सा अगर इधर आप आ जाएं जी, ये अच्छा हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं? रेस्क्यू करके लेके आए, इनकी हालत ज्यादा खराब है तो इनको वहाँ छोड़ रहे हैं। अच्छा, कितने लोग अभी और उधर हो सकते हैं? उधर तो कम से कम 500-700 आदमी है। 500-700 आदमी है? हाँ ठीक है। आपको रेस्क्यू किया गया है? NDRF वाले वहाँ खड़े हैं, उनको कहो जाके कम से कम काम तो करे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से क्या मदद पहुँच रही है? अभी कुछ नहीं है, कल हम तो अपने अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना कर रहे हैं। अच्छा, ये पानी ऐसा, क्योंकि अब दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 4 से 5 फीट से ऊपर ज्यादा पानी है, कितना पानी भरा हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ? उधर तो 10 से 15 फुट पानी है। ये राजकुमार सर है, ये दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, इनकी मदद से, इन बड़ों की मदद से ही ये लोगों को बचा रहे हैं यहाँ पे। ये मैं आप ही से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कितनी ऐसी टीमें लगाई गई हैं? एक नाव तो ये देख ली हमने, और कितनी टीमें काम कर रही हैं? ये सब हमारी प्राइवेट नावें हैं। अच्छा, सरकारी की जो NDRF की है वो है 3 नाव बस। NDRF वाले कभी एक चक्कर मार के आ जाते हैं, किसी को जाना। ठीक है अनुराग, यहाँ पर किस तरह से स्थिति है ये आपने बखूबी बताया। आप लोग भी ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुबह हो या रात पल पल की तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत की टीम आप तक पहुंचा रही है, और ये समझिए वो पानी है जो कि काफी गंदा है, नदी से होता हुआ नाले का पानी। देखिए अब सड़कों पर है टाइम्स ऑफ भारत की टीम, उसमें उतरकर रिपोर्टिंग करिए। रविकांत रॉय का हाल जान लेते हैं, लाल किले की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे। रविकांत, किस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पे? देखिए नैना, कल जब हम यहां से रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त वो बस आपको दिखाई दे रही हो, क्योंकि कल आप भी यहां पर थी, वो बस साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वो बस पूरी तरीके से डूब चुकी है। तो आप यकीन मानिए कि जलस्तर जो है यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कल हम उस पेड़ के पास से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां से लेकर यहां तक पानी बहुत ज्यादा
बढ़ चुका है, यानी सड़क के ऊपर 8 से 9 फीट ऊपर पानी आ चुका है और थोड़ा दूर कोई आगे जाए तो डूबने का खतरा रहेगा। ये लाल किले की दीवार है और कल सड़क जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज पूरी तरीके से जो सड़क है वो जलमग्न हो चुकी है। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये पार्क था, कल हमने देखा इस पार्क में पानी नहीं भरा हुआ था, लेकिन आज ये पार्क भी पूरी तरीके से डूब चुका है। बगल की जो सड़कें हैं वो सारी जलमग्न हो चुकी हैं। लगातार यमुना का जो पानी है वो इस इलाके में आ रहा है और यहां पर पानी आने की वजह से लाल किले के अंदर भी पानी जा चुका है। पूरी तरीके से जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वो अंडरपास से जो ISBT को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है वो अंडरपास भी अब पूरी तरीके से कंप्लीटली डूब चुका है। और बताया यही जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो अब यहां पर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा है। थोड़ी सी राहत की बात बताई जा रही है कि यमुना का जलस्तर है वो रुका हुआ है, लेकिन यहां पर जो निचले इलाके हैं, जो VIP इलाके हैं, वहां पर पानी जो है वो ये जो रास्ता है यहां पर जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है और लोगों की मुश्किलें भी इसके साथ ही बढ़ी। एक बार फिर से जरा मैं अनुराग का रुख करती हूं। अनुराग, यहां जहां पे आप मौजूद है स्थिति यहां बिगड़ी हुई है। देखिए नैना, कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि राजधानी में दिल्ली में नाव चल सकती है, यमुना का जलस्तर आप हम तो सब जानते हैं, लेकिन सड़कों पर नाव चलने की जो कहावत है वो आज सच होती नजर आ रही है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, मैं नाव के अंदर बैठ चुका हूं। ये सड़क कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है कि यमुना के बगल में ये सड़क जा रही है और यहां पर पानी भर गया और हम जाकर बैठ गए। ये ITO को जाने वाली, ITO को जोड़ने वाली सड़क है, थोड़ी आगे पर लोहा पुल आपको मिल जाएगा। तो ये वो सड़क है जहां पर स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि नाव चलानी पड़ रही है। ये नाव रेस्क्यू करने के लिए चलाई और अभी कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप ही को रेस्क्यू करके लाया गया, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए अंदर ना लोग फंसे हुए हैं, पानी एकदम बहुत तेजी से आया, लोगों को संभलने का समय मिला नहीं। उसके बाद जो टीमें सरकार की तरफ से डिप्लॉय की गई है ना, मेरे को लगता है उनके पास साधन नहीं है रात में काम करने के लिए, और प्रॉपर उनके पास कभी पेट्रोल नहीं है, तो लोकल उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। वो कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं, हमारे पास ये नाव बोट चलती है केवल डीजल और सपोर्ट से। अब लोग अंदर फंसे हुए तो वेट कर रहे हैं, ना पानी कट गया, लाइट कट गई, ना दूध है, ना कुछ खाने के लिए है, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। बहुत ज्यादा विकराल स्थिति। मुझे ये बताइए, आप लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये नाव चला रहे हैं जैसा कि पहले बताया? ये अपनी हमारी पर्सनल है, राजकुमार जी हैं हमारे दिल्ली स्विमिंग के सेक्रेटरी। हाँ। इनके कहने पे हमें रास्ता बताते रहे हैं, इनके कहने से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नीरज जी हैं RWA के, इनकी वजह से ही ये सब, इनके सहयोग से ही चल रही है। अभी कितने लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं आप, वापस जाएंगे यहाँ? अभी कल से और अब तक ये कम से कम 350 लोगों को और 24 गाय और कम से कम 70 कुत्तों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। मतलब आप सिर्फ इंसानों को रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जानवर जो है उनको भी रेस्क्यू कर रहे हैं। जो भी दिखाई देता है, जैसे कुत्ता फंस गया कल, एक वो बड़ी देर से चिल्ला रहा था, एक आदमी को उतारा पानी में, उतार के उसको गोदी में ला करके फिर अपनी छत पे लेके गए। फिलहाल वो हमारे पास ही है कुत्ता। हमारे घर के बाहर जो स्टैंड 10 फुट पानी है, और घर के बाहर 10 फुट पानी है और आगे रोड के ऊपर कम से कम। अनुराग, ये इनसे जरा पूछिए, ये लोग बोल रहे हैं कि दूध नहीं है, खाने को नहीं है, लोग वहाँ पे परेशान है, क्या सरकार की तरफ से कोई मदद इन तक पहुँची है? इसलिए मैं इनके साथ निकल कर के आया हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो स्टूडियो से सवाल आ रहा है, हालांकि आवाज नैना आपकी बहुत कम आ रही है, लेकिन मैं फिर भी समझ के पूछने की कोशिश करता हूँ, सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है क्या? सरकार भाई, सरकार निकम्मी है, महानिकम्मी कहूंगा। जिस सरकार को ये नहीं पता कि कितना पानी चढ़ना है, कितना पानी पीछे से आ रहा है, कोई सरकार को पता नहीं है। हम इतने कंफ्यूज हैं, हमने DM साहब से पूछा, उन्होंने हमें सिर्फ इतना बताया परसों रात को कि भाई मैं खुद नहीं समझ पा रहा क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दीजिए, अभी कितने राउंड आप लोग रेस्क्यू करेंगे? सर शाम तक कम से कम हम 70 राउंड यहाँ पे रेस्क्यू करेंगे, पुल के नीचे से सबसे जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं। हाँ। उनको पूरा कोशिश करेंगे कि वो सब बाहर निकले। ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली के सूरत हाल को बयां कर रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये यहाँ के जो हुक्मरान है वो कितने आलीशान महल में बैठे हुए हैं। हमने शीश महल को लेकर तस्वीरें आपको दिखाई थी, और यहाँ पर असल में दिल्ली वासी, जिसके नाम पर सियासत करने वाली कुछ राजनीतिक पार्टियां आज बड़ा सियासी रसूख बना चुकी हैं, आप समझिए कि वो दिल्ली वासियों को कैसे छोड़कर चली गई। ये देखिए, अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो वहां पर आप देखिए कि एक मजमा सा लगा हुआ है, और ये आंखें टटोल रही हैं उन लोगों को कि कोई राहत बचाव के लिए आए, क्योंकि यहां पर लोगों के लिए दिक्कत यह है कि जो आजीविका का साधन था, ये छोटी छोटी दुकानें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा एक दुकानों की तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, ये दुकानों को अगर आप देखेंगे तो ये आजीविका के साधन जो है वो बंद हो चुके हैं। हालांकि
नेचुरल कैलामिटीज है, जाहिर बात है कि सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री साहब शीश महल में बैठे हैं और दिल्ली की जनता जो ये कहा जाए जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया वो खुद किस तरह से लगातार परेशान हो रही है अपने आप में ये दर्शाता है आम आदमी का नेता जो खुद को कहते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से दिल्ली में स्थिति खराब है, 30 सेकंड में देखिए आखिर क्यों खौफ के साए में जी रहे हैं दिल्ली वासी। राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। हाईटेक शहर नोएडा के निवासी उस समय खौफ में आ गए जब नोएडा का सेक्टर 168 पूरी तरह यमुना के पानी में डूब गया। नोएडा सेक्टर 168 में पानी भरने के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। आनंद फानन में कई जगहों से बाढ़ में फंसे जानवरों को रेस्क्यू किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बागपत गाजियाबाद बॉर्डर पर अलीपुर बांध टूट गया जिसकी वजह से यमुना नदी का पानी गाजियाबाद के दर्जनों गाँव में घुस गया। दिल्ली एनसीआर का हाल तो आपने देख लिया। आप लोग करते हैं बाढ़ और बारिश की त्रासदी झेल रहे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश से इस समय की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से यहां पर मानसून एक्टिव हो चुका है। हिमाचल में कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अगले 4 दिनों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। नदी नालों से दूर रहने की सलाह लोगों को दी गई है। हाल ही में जिस तरह से हिमाचल में बड़ी त्रासदी आई जो वहां पर हुआ तस्वीरें हमने लगातार आप तक पहुंचाई। अभी भी खतरा हिमाचल में खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से बारिश का कहर यहां पर लोग झेल सकते हैं, इसीलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बीते कुछ दिनों से लगातार बाढ़ बारिश से लगातार तबाही यहां पर नजर आई। आपको बता दें बाढ़ बारिश की वजह से जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हुई उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो राजधानी दिल्ली में नजर आया। दिल्ली में किस तरह से यहां पर बाढ़ बारिश से स्थिति खराब है आपको बताते हैं। देखिए यहां पर सड़कें जलमग्न हैं, दिल्ली की सड़कें दरिया बन चुकी हैं और गाड़ियां रेंग रही हैं। गाड़ियां देखिए किस तरह से रेंग रही हैं क्योंकि गाड़ियां नजर नहीं आता कि भाई ये नाव है या फिर सड़कों पर यहां पर गाड़ियां चल रही हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। अगर आप भी इन इलाकों में जाने का सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए, आप फर्राटेदार गाड़ी में बैठ कर नहीं जा पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा शायद हो सकता है गाड़ियां आपको तैरती हुई नजर आएंगी। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। बाढ़ बारिश की वजह से हिमाचल में जिस तरह से यहां पर स्थिति बिगड़ी, इसी तरह से अगर हम बात करें अन्य इलाकों में भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको ये भी बताते चलते हैं लैंडस्लाइड से हिमाचल में कई सड़कें बाधित हो चुकी हैं, उसी में से रोहतांग हाईवे पर ट्रकों का लंबा जाम लगा है। देखिए सैकड़ों वाहन रोहतांग मार्ग पर फंसे हुए हैं कई दिनों से कतार में। ये सैकड़ों ट्रक बादल फटने से परेशान, अब यहाँ पर देखिए ट्रक चालक जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। आपको बताते चले मनाली के ऊपर रोहतांग मार्ग 500 से ज्यादा ट्रक यहाँ पर फंसे होने की जानकारी है जिनका संपर्क मनाली से टूट चुका है। हाईवे पर फंसे लोग 10 दिनों से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच स्थानीय लोग भी मुसीबत में हैं अब, लेकिन वो भी जैसे तैसे यहाँ पर फंसे इन ड्राइवर्स की मदद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित की एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस तरफ मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ और पीछे भी एक लंबी कतार है। एक उस तरफ का मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, आप उधर देखिए। ये कई किलोमीटर तक ऐसे ट्रक का जाम यहाँ पर लगा हुआ है और ये पिछले 7 से 8 दिन से यहाँ पर फंसे हैं। कुल मिलाकर कितने ट्रक होंगे यहाँ पर अभी? 400 ट्रक होंगे। कम से कम 400 ये ट्रक यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 400 ट्रक है, लेकिन ये 7-8 दिन से फंसे हुए हैं और 7-8 दिन से फंसे हुए हैं। राशन की कमी पड़ रही थी तो ये देखिए यहाँ पर एक लंगर चलाया जा रहा है ताकि ये जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हैं उनको खाना यहाँ पर खिलाया जा सके और इतने दिनों से फंसे होने के बावजूद यहाँ पर उन लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो लोग फंसे हैं, अपने अपने स्तर पर मदद की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल में कैसे पूरा हुआ मिशन इम्पॉसिबल दिखाते हैं आपको सिर्फ 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सैलानियों का रेस्क्यू जारी है। सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, न बिजली है और न ही यातायात का कोई साधन। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल इलाके से रेस्क्यू आसान नहीं था, लेकिन सेना के साथ मिलकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हिमाचल पुलिस ने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा दिया। लाहौल स्पीति के चंद्रताल से 250 से ज्यादा सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। 2 दिन की मेहनत के बाद रास्ते से पहले बर्फ हटाई गई और 255 टूरिस्ट को सकुशल निकाल लिया गया। तो हिमाचल में बारिश का कहर अभी भी जारी है। इस बीच बड़ी खबर सोलन से है। सोलन में जिस तरह से भारी बारिश हुई उससे जमकर तबाही मची है। 4 रिहायशी इमारतें और
पर बताया जा रहा है कई बिल्डिंग्स खाली कराई गई हैं और बिल्डिंग्स जमीन दोज होने के बाद में पूरा इलाका रेड जोन घोषित कर दिया गया है। कई बिल्डिंग्स में दरार होने की खबर है। इसके बाद 1 किलोमीटर के एरिया को खाली करा लिया गया। जिन लोगों के यहाँ पर घर है उन्हें दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है। इस वक्त मैं हिमाचल के सोलन में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है कंटिन्यू आप देख सकते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और वो जमींदोज हो चुकी है। लगभग ये 3-4 बिल्डिंग इकट्ठा है जो जमींदोज हो चुकी है। भारी बारिश के चलते ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारी बारिश हुई तो लगभग जो है यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आप देख पा रहे हैं सारी जमींदोज हो चुकी है और एकदम से जो है जिस तरह से बारिश हुई लेकिन गरिमत रही कि लोगों को जो है इसमें से टाइमली निकाला गया और लोग जो हैं अभी सेफ है लेकिन बिल्डिंग के आप हाल देख सकते हैं किस तरह जो है बिल्डिंग पूरी तरह। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस समय की बड़ी खबर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का दौरा कर रहे हैं और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बेहद खास सम्मान मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें सम्मानित किया और उसकी तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये भी जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पीएम मोदी के सम्मान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने स्टेट डिनर भी रखा है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 6 तस्वीरें जब यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे थे तो किस तरह से फ्रांस के पीएम ने उनका स्वागत किया और फ्रांस के पीएम के साथ में उनकी बैठक हुई, सीनेट अध्यक्ष के साथ में उनकी मुलाकात की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो एलएसी पैलेस में किस तरह से गर्मजोशी से पीएम मोदी का बेहद खास तैयारियों के साथ स्वागत किया गया और यहाँ पर भारतीय जो मूल के जो लोग हैं वो बेहद यहाँ पर भावुक नजर आए। पीएम मोदी फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक और जान लीजिए। पेरिस में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि पेरिस में यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। यूपीआई जो कि भारतीय ऐप है लेन देन के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। वो कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूँ शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों को लोगों के बीच आपसी विश्वास इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार की मदद से मार्से में नया कॉन्सुलेट खोलने का भी फैसला किया है। इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। गुजरात में अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। आप इंडिया आकर के देखिए, किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे उससे ज्यादा वो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चंद्रयान 3 का भी जिक्र किया। चंद्रयान 3 मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की लॉन्च के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज जो है फ्रांस में भी सुनाई दे रही है। और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए
रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में लोगों को संबोधित करते हुए फ्रांस के साथ में अपने खास रिश्ते का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने ये रिश्ता 40 साल पुराना बताया और याद दिलाया। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि पेरिस में भारतीय समुदायों के लिए और यहाँ पर जो पीएम मोदी ने जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि उनसे उनका एक खास लगाव है। फ्रांस के साथ में पुराने रिश्ते का जिक्र उन्होंने किया। फ्रांस के प्रति मेरा जो लगाव है वो बहुत पुराना है, ये पीएम मोदी ने कहा। फ्रांस से मेरा रिश्ता 40 सालों का पुराना है, पीएम मोदी का ये ना वहां पे लोगों में एक अलग जोश भर देता है। 40 साल पुराने मेंबरशिप को लेकर उन्होंने बात कही है। मेंबरशिप कार्ड का जिक्र पीएम मोदी ने कहा। अहमदाबाद में अलायंस फ्रांसिस की सदस्यता लेने की बात पीएम मोदी ने यहां पर याद दिलाई। आपको बता दें, अहमदाबाद में फ्रांस के सांस्कृतिक केंद्र की दरअसल शुरुआत हुई थी, उसका जिक्र पीएम मोदी ने यहां पर किया। अलायंस फ्रांसिस के पहले सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थी।